नमस्कार दोस्तों, ये बाड़ी में आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों स्क्रीन पे देख रहे हो उसी तरह आप भी न्यू ट्रेंडिंग 4K और सब स्टेटस एडिटिंग करना चाहते हो तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साइड में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेगी। और दोस्तों इस चैनल पर रोज आपको एक नई वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में वी एन ऐप को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों उसी तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों इधर से आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपने पोस्ट जो भी है वो ऐड कर लेने हैं। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से अपने पोस्ट वो ऐड कर लेता हूँ, उसी तरह से आपको भी अपने सभी पोस्ट वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से अपने पोस्ट वो कुछ इसी तरह से, तो मैं इधर से अपने पोस्ट वो पहले सभी ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से अपने सभी पोस्ट वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लूँगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से मैं अपने जितने भी पोस्ट है वो सभी ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको भी अपने सभी पोस्ट है वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको तीर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो वहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सभी पोस्ट रहेंगे वो कुछ इसी तरह से ऐड हो जाएंगे। ऊपर ओरिजिनल लिखा वहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको 9/16 का रिव्यू सेलेक्ट कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपना म्यूजिक वो ऐड कर लेना है। म्यूजिक ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं म्यूजिक ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपका म्यूजिक रहेगा वो ऐड हो जाएगा। यहाँ से म्यूजिक बीट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपने बीट है वो ऐड करना चालू कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इधर से मैं अपने बीट है वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर अपने सभी बीट है पहले वो सही से ऐड कर लेता हूँ। उसी तरह से ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ से अपने बीट है वो कुछ इसी तरह से ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको सभी बीट है वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपने सभी बीट है वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना है। तो दोस्तों उसी तरह से ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपना जो बीट रहेगा वो म्यूजिक के हिसाब से रहेगा और उसी तरह से आपको सभी बीट है वो सही से ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर अपने पहले बीट है वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर अपने पहले सभी बीट है वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लूँगा। तो दोस्तों उसी तरह से ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपना बीट है वो कुछ इसी तरह से आपको ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर अपने बीट है वो सही से ऐड कर लेता हूँ। उसी तरह से ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपने जो भी बीट है बीट के हिसाब से आपको सभी ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर पहले अपने जल्दी जल्दी बीट है वो ऐड कर लेता हूँ। उसी तरह से ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से मैं अपने जो बीट के हिसाब से वीडियो रहेगा वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्लासिक रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से यस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपने बीट है वो कुछ इसी तरह से आपको ऐड कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ से अपने बीट के हिसाब से आपको सभी पोस्ट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मेरे इधर पहला बीट हमारे ऐसा है तो यहाँ तक मैं कर देता हूँ। उसी तरह से आपको दूसरा बीट भी कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना है। तो जो कि आपके यहाँ से आपको 7 सेकंड तक उसी तरह से आपको अपने सभी बीट कर लेना है। उतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपने बीट के हिसाब से ही आपको पूरे वीडियो सेट कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको पहले वाले इफेक्ट में आ जाना है और पहला वाला इफेक्ट में प्लस वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इसी तरह से आ जाएगा। तो दोस्तों इधर से आपको अपना पहला वाला इफेक्ट है यहाँ पर एफएक्स में जाना है और यहाँ से आपको पहला वाला इफेक्ट है वो आपको कुछ इसी तरह से देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपके सामने आ जाएगा। तो इधर से आपको पहला वाला इफेक्ट है ये जो रोटेट का इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है, जो कि यहाँ से आपको पहला वाला इफेक्ट है स्वैप आउट का इफेक्ट है ये आपको देख सकते हो उसी तरह से पहला वाला इफेक्ट ही आपको ऐड कर लेना है और उसी तरह से ये आपको 7 सेकंड तक कर देना है, जो कि देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से हम यहाँ तक आपको वो इफेक्ट ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से आपको अपना इफेक्ट रहेगा वो अलग तरह का इफेक्ट एक ऐड कर लेना है और उसी तरह से करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको ये वाला इफेक्ट कर देना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इसी तरह इधर दो इफेक्ट ये कर देना है और इसी तरह से आपको इधर जो इफेक्ट है वहाँ पर आपको उसी तरह से सेट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये अपना इफेक्ट रहेगा वो कुछ इसी तरह से आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है, एफएक्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ से आपको जटर डाउन का इफेक्ट है ये वाला इफेक्ट कर देना है। उसी तरह से यस पे क्लिक कर देना और दूसरे वाले इफेक्ट में भी आपको उसी तरह से जो जटर डाउन का इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इस वाले इफेक्ट में आपको जो आपने पहले किया था वो इफेक्ट ऐड कर लेना है, जो कि यस अप डाउन आउट का इफेक्ट किया था ये ऐड कर लेना है और यस पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों उसी तरह से आपको वापस वो इफेक्ट कर देना है और उसी तरह से आपको पूरे वीडियो में ये कि उसी तरह से आपको इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको इधर पूरे वीडियो में उसी तरह से आपको ये का ये इफेक्ट जो आपके पोस्ट के हिसाब से आपको वो इफेक्ट ऐड कर लेना है। तो दोस्तों इधर भी आपको उसी तरह से ही आपको
अपने इफेक्ट जो आपने उसी तरह से किया था जिटर डाउन का इफेक्ट, वो इफेक्ट तो ऐड कर लेना है और उसी तरह से इसमें भी वो इफेक्ट ऐड कर लेना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इसमें आपको एंडिंग में आपको उसी तरह से आपको इधर सेप आउट का इफेक्ट किया था ये का ये इफेक्ट ऐड कर लेना है। उसी तरह से आपको एंडिंग तक ये का ये इफेक्ट ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, या से यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जो कि वीडियो रहेगा इजीली आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।